उनको मुझे लगता है कि डाबा चौक की दूसरी जगह चुनाव लड़ना है। आज सरकार ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है अपना, एक वर्ष का योगी सरकार ने, क्या लगता है उन्होंने तमाम योजनाएं लाभार्थियों की चर्चा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहीं पर भी विकास का काम 5 साल 6 साल के अंदर किया नहीं है, लेकिन वो झूठे दिखावा कर रही है और झूठा दिखावा दे करके और लोगों को बीच में जितने भी देखिए वादे किए थे कोई तो वादा पूरा करेगा। और देखिए, यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर है। किसानों की आय की दोगुना करने की बात करी थी, दोगुना बढ़ा नहीं पाए, किसानों को लुटवा हो दिया है लगातार लगातार, जो खरीद कर नहीं पाए, MSP दे नहीं पाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे नहीं पाए, गेहूँ में लुटवा दिया है बिचौलियों के माध्यम से, धान की फसल में लुटवा दिया, अभी आलू की हालत क्या है, गन्ने की कीमत बढ़ा नहीं पाए, बिजली की कीमतें कितनी बढ़ा दी, यहाँ तक कि रसोई गैस की कीमत कितनी बढ़ा दी, तो महंगाई लगातार बढ़ाती जाए, पूरे देश की जनता के सामने संकट पैदा कर दिया है। तो अपना झूठा ढिंढोरा पीट रहा है, नौकरी वादा किया था 2 करोड़ लोगों हर वर्ष, कितने लोगों को नौकरी से दी, नौकरी ले लोगों की ले ओनली है, उसके बराबर भी नौकरी नहीं दे पाए, झूठा वादा है ये। तो अब सपा किस तरह संघर्ष करेगी इस सरकार के साथ? देखिए, हम अपना संगठन मजबूत करके चुनाव लड़ेंगे और मेरा संगठन मजबूत हो गया है और देखना अब की बात 2024 में जनता परेशान हो चुकी है और हमारा संगठन मजबूत हो चुका है और निश्चित अब की बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और जब उत्तर प्रदेश से हारेंगे भारतीय जनता पार्टी फिर दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी। थर्ड फ्रंट में आप किस तरह से, क्या कांग्रेस से गठबंधन की चर्चा रहेगी करेंगे या अकेले और दलों के साथ ही आ पाएंगे? देखिए, ये निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, जब भी ले हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और इतना मजबूत संगठन को कर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके भेजेंगे। और ये उम्मीद की जाए कि निकट भविष्य में जल्दी ही सड़कों पर सपा दिखाई देगी। हम तो रोज सड़क पे ही हैं। हाँ, बहुत सड़क पे, पूरी सपा नहीं है। पूरी सपा जिस दिन सड़क पे हो ये बात ना, सब परेशान। बहुत जल्दी पूरा संगठन है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।